हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डू प्रेस दी नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माय अपलोड्स। तो मैं आज आप लोग के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ और आशा करती हूँ आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। तो मैं आज आप लोग के लिए एक वेज रेसिपी लेके आई हूँ, एक स्नैक का रेसिपी। तो मैं आज आपको दिखा रही हूँ पनीर कटलेट का रेसिपी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टूडेज रेसिपी। रेसिपी के लिए मैं ले रही हूँ पनीर 200 ग्राम्स। ग्रेटेड कैरेट में एक छोटा सा ले रही हूँ, ये लगभग 1/3 कप है। बीन्स भी मैं ले रही हूँ 1/3 कप, इसे मैंने बहुत पतला पतला करके बारीक काटा है। आप चाहे तो कैप्सिकम भी ऐड कर सकती हैं। उबले हुए आलू मैं 2 छोटे ले रही हूँ। फ्रेश कोरिएंडर थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर, और मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज ले रही हूँ, इसे मैंने बारीक काट के रखा है। मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर मैं ले रही हूँ, थोड़ा सा ऑरिगैनो, थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स, और नमक आप डालिए स्वाद अनुसार, रेसिपी में आप इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। गैस मैंने ऑन कर लिया है, मैंने एक कढ़ाई भी रख दिया। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल के रखा है। हम पहले सब्जी को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, मैं पहले अदरक डाल रही हूँ इसमें। फ्यू सेकंड्स के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। अभी मैं इसमें अनियन डाल रही हूँ। फ्लेम को हम मीडियम में रखेंगे जिंजर और अनियन फ्राई करते समय। आप चाहें तो ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन आपको स्पाइसी पसंद नहीं है, बच्चों के लिए बना रही है तो स्किप कर सकती है। मैं ग्रीन चिलीज ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत स्पाइसी हो जाएगा पेपर पाउडर और जो चिली फ्लेक्स हम यूज करेंगे। प्याज का हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस इसका रॉ स्मेल जाने तक ही फ्राई करना है। तो हमारा प्याज फ्राई हो चुका है, डन हो चुका है। अभी हम इसमें सब्जी डालेंगे। मैं इसमें बीन डाल रही हूं, इसमें कैरेट डाल रही हूं, एक बार इसे चला लेते हैं। हम बीन और गाजर डालने के बाद फ्लेम को हम हाई मीडियम में रखेंगे ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाए। अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूं। अभी इसमें मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूं, पेपर पाउडर और जो ऑरिगेनो है उसे डाल रही हूँ। हमें ज्यादा समय इसे कुक नहीं करना है, इसका मॉइस्चर थोड़ा बहुत हमें खत्म करना है, जितना हो सके उसे खत्म करना है ताकि हम जब कटलेट का शेप देंगे तो अच्छे से हमारा शेप हो जाए। तो ये हो गया है हमारा सब्जी रेडी। मैं अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। पनीर को आप एक साफ कपड़े से आप इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए ताकि जो इसका एक्सेस पानी है वो निकल आए, नहीं तो हमारा कटलेट जो है उसको शेप देने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मैं पेपर नैपकिन ले रही हूँ तो इससे ही मैं थोड़ा सा इसको दबा रही हूँ ताकि जो इसका एक्सेस पानी है वो निकल आए। तो देखिए ये पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी हम पनीर को ग्रेट कर लेंगे। पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है, मैंने आलू को भी ग्रेट कर लिया है। आलू आपको नहीं डालना है तो स्किप कर सकती हैं। सब्जी हमारा ठंडा हो गया है तो मैंने एक बर्तन में इसे निकाल दिया है। अब हम इसमें पनीर मिक्स करेंगे।
मैं इसमें बॉइल पटेटो भी डाल रही हूँ। थोड़ा सा हम इसमें फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे। अभी हम सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको अगर लगता है कि नमक थोड़ा ऐड करना है तो नमक फिर से थोड़ा सा ऐड कर सकती हैं, क्योंकि पनीर और आलू में तो नमक नहीं है, तो आप थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकती हैं। सब कुछ मिक्स करने के बाद देखिए कितना कम लग रहा है। पहले कितना हमारा ये जो बर्तन था पूरा फुल लग रहा था, अभी मिक्स करने के बाद सब कुछ कितना कम लग रहा है। अब छोटा सा एक पोर्शन लीजिए, तो एक बॉल शेप में लीजिए, फिर इसको फ्लैट कर दीजिए। शेप आप कोई सा भी दे सकती है, आपका मनपसंद शेप दे सकती है, राउंड टिक की शेप दे सकती है, हार्ट शेप दे सकती है, तो मैं ऐसा शेप दे रही हूँ। थोड़ा सा आगे की तरफ मैं पॉइंटेड कर रही हूँ, तो आप कोई भी शेप दे सकती है, ऐसा शेप दे सकती है। तो देखिए और एक करके मैं दिखाती हूँ आपको। छोटा सा एक पोर्शन लीजिए, आप एक सर्कल कर दीजिए, थोड़ा सा इसको फ्लैट कर दीजिए। फ्लैट करने के बाद एक साइड में आप थोड़ा सा पॉइंटेड कर दीजिए। हाथों की मदद से आप शेप को ठीक कर दीजिए। तो देखिए ये हमारा कटलेट को हमने शेप दे दिया है। तो मैं इसे प्लेट में रख देती हूँ। कटलेट्स के शेप मैंने कर लिए हैं, मैं 11 पीस बना पाई। आपके एक दो ज़्यादा या एक दो कम हो सकते हैं शेप करते समय, डिपेंड्स ऑन दी साइज़ और आप कितना मोटा रख रही है कटलेट को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरा कटलेट हो गया है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम स्लरी तैयार करेंगे हमारे कटलेट को डिप करने के लिए। तो मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा, कॉर्नफ्लोर। स्लरी में मैं थोड़ा सा ओरिगेनो भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा पेपर पाउडर भी ऐड कर रही हूँ और मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, ताकि हमारा कटलेट जो है बाहर से फीका ना लगे, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करेंगे, आपको बहुत ही थिन एक बैटर तैयार करना है। ध्यान रखिए कि इसमें लम्स ना हो, धीरे धीरे से मिक्स करते जाइए। स्लरी में मैं आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ इसमें। ये बहुत ही ज़्यादा पतला ही करना पड़ेगा हमको कि हमारा ये स्लरी तैयार है। अभी हम एक एक कटलेट को स्लरी में डिप करेंगे, जो एक्सेस पानी है उसे निकल जाने दीजिए। फिर हम इसे ब्रेड क्रम्स में रखेंगे। ये ब्रेड क्रम्स घर का ही बना हुआ है, तो ये जो ब्रेड का साइड होता है उससे मैंने ये ब्रेड क्रम्स बनाया है। अच्छे से ब्रेड क्रम्स इसमें कोट हो जाए तो हम इसे एक प्लेट में रख देते हैं। मैं फिर से आपको एक दिखा रही हूँ, लेकिन ये देखिए ये स्लरी जो है, ये कॉर्नफ्लोर ये सब नीचे बैठ जाएगा, तो एक बार आप हिला दीजिए उंगली से या चम्मच से। तो स्लरी में हमने कटलेट को डिप किया। डिप करने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम निकलने देंगे। निकलने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छे से रोल कर देंगे, अच्छे से हम इसके ऊपर कोट कर देंगे।
तो देखिए अच्छे से ब्रेड क्रम्स इसमें लग गया है कटलेट में। तो मैं इसे प्लेट में रख देती हूँ। मैंने सारे कटलेट्स को शेप कर दिए हैं, तैयार कर लिया है मैंने। तो चलिए इसे अभी डीप फ्राई कर लेते हैं। गैस मैंने ऑन कर दिया है, मैंने कढ़ाई भी रख दिया है। कढ़ाई में मैंने डीप फ्राइंग के लिए ऑयल भी रखा है, तो इसे मैं गर्म होने दूंगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें एक एक करके कटलेट डालूंगी। कढ़ाई को आप ज्यादा क्राउडेड ना करें, जितना आता है उतना ही डालें आप। थोड़े समय तक हम इसे फ्लिप नहीं करेंगे, दो तीन मिनट तक हम ऐसे ही फ्राई करेंगे, उसके बाद हम पलट देंगे। तो मैंने इसको पलट भी दिया है, तो देखिए इसका कलर कितना सुंदर आया है। तो देखिए हमारा कटलेट, मैं क्लोजअप दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, कितना सुंदर कितना बढ़िया बना है। तो मैं इसे प्लेट में रख देती हूँ, बाकी के भी हम सारे फ्राई कर लेते हैं। बढ़िया सा कटलेट हमारा तैयार है। आप अब इसे टोमेटो सॉस अपने मन चाहे चटनी के साथ सर्व कर सकती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल ही होटलों जैसा बना है। आपको मैं क्लोजअप दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप सुनिए। ये आउटर लेयर जो है बहुत ही क्रंची, बहुत ही बढ़िया बना है, बिल्कुल ही होटलों जैसा। मैं आपको एक कटलेट तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया कितना मज़ेदार कटलेट हमने घर में ही बना लिया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप मेरी तरीके से ये पनीर कटलेट ज़रूर ट्राई करेंगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माई अपलोड्स। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मच लव, स्टे ब्लेस्ड।